दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ग्राफ बनाने, जो कि दोस्तों समीकरण दिया है 9x-10y = -12 समीकरण एक है। उसके बाद दूसरा समीकरण है x+3y = 13 समीकरण दो, ठीक ना। तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। दोस्तों ग्राफ खींचने से पहले मान निकालना पड़ता है, मान ही निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो ध्यान से समझिएगा। चलेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक है 9x-10y = -12, ठीक। जब 9x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा -12, ये माइनस है तो +10y हो जाएगा, ठीक ना। जब x बराबर निकालेंगे तो -12 + 10y बटे में ही 9 आ जाएगा, क्योंकि गुना में है तो भागा में आ जाएगा, ठीक। अब दोस्तों x और y का दो दो बॉक्स बना लेना है आपको, ठीक ना, ताकि मान निकालेंगे तो उसमें लिखेंगे, ठीक। बॉक्स बना लिए। अब दोस्तों इधर हम लोग रफ करेंगे थोड़ा, ठीक। क्या हमको निकला है x बराबर कि -12 + 10y बटे 9, ठीक। दोस्तों अब y की जगह ऐसा मान रखना है कि y की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा मान रखना है कि जो कि x का मान 9 से कट के निकल जाए, ठीक ना, पूरा पूरी कट के निकल जाए, ठीक ना। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, y की जगह ना 3 रख देते हैं, y की जगह 3, तब क्या हो जाएगा -12 + 10y, y की जगह 3 रखे हैं बटे 9, क्या हो जाएगा -12 + 10 = 30 / 9। अब यहाँ देखिए दोस्तों 30 में से 12 घटेगा 18 बच जाएगा बटे 9, देखिए दो बार में कट गया, दो किसका x का मान निकल गया। बिल्कुल ऐसा ही मान रखना है जो कि पूरा पूरी कट जाए। अब दोस्तों फिर दूसरा खटाल में दूसरा मान रखना है y की जगह, कुछ अलग मान, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 12 रख देंगे दोस्तों, क्योंकि इससे कम मान हम रख के देखे हैं नहीं निकलता है, तो 12 रखना पड़ेगा। तो क्या है -12 + 10y, y की जगह 12 रख देंगे बटे 9, ठीक। अब देखिए -12 + 12 = 120 / 9, ठीक। अब देखिए 120 में से 12 घटेगा तो बच जाएगा 108 बचेगा, और 9 से भाग देंगे बरनमा 8 लोटर से, यानी कि 12 बेर में कट जाएगा, 12x का मान निकल गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों दोनों मान निकल गया, दो गो एक्स का दो गो वाई का। अब चलेंगे समीकरण दो से, ठीक ना। समीकरण दो क्या है आपका, x + 3y = 13। जब x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 13 प्लस है तो -3y हो जाएगा, ठीक। अब x और y का फिर दो दो बॉक्स बना लेना है दोस्तों, ठीक ना, बना लिए। अब फिर दोस्तों यहाँ रफ करेंगे, ठीक ना। क्या हमको x बराबर 13 - 3y, दोस्तों इसके बटे में कुछ नहीं है, बटे में नहीं है तो थोड़ा आसान हो जाता है हल करना। y की जगह हम कुछ भी रखेंगे तो दोस्तों x का मान आसानी से निकल जाएगा। चलिए y की जगह हम क्या करते हैं, 1 रख देते हैं। क्या रख दिए, y की जगह 1, तो ये हो जाएगा 13 - 3, y की जगह 1 रखे हैं तो ये हो जाएगा 13 - 3 = 3, कितना 10 बच जाएगा, 10 आपका x का मान निकल गया। अब और कुछ रख दीजिए दोस्तों, चलिए हम 2 रख देते हैं y की जगह। अब की बार 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 - 2 रखेंगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक। 13 में से 6 घटेगा तो 7 बच जाएगा, x का मान 7 निकल गया। अब दोस्तों ये दोनों मान हम लोग ग्राफ पे खींचेंगे, ठीक ना। यहाँ यह ग्राफ है दोस्तों, इसमें देखिए इधर हम माइनस में यहाँ मान नहीं है, ठीक ना, लेकिन हमें ग्राफ पे 12 तक ले जाना है, x का मान भी 12, y का मान 12, इसलिए दोस्तों हम इधर बढ़ा के खींचे हैं, ऊपर भी और नीचे भी बढ़ा के खींचे हैं, ठीक ना। चलिए इस पर मान बैठाते हैं, यहाँ हो जाएगा 0, ये x अक्ष है दोस्तों, ठीक ना, और ये रहा y अक्ष, ठीक। अब x अक्ष जो है दोस्तों दायां साइड होता है प्लस में, +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ग्यारह बारह, बारह तक हमको ले जाना है ठीक। उसके बाद दोस्तों बायां साइड माइनस में होता है माइनस एक माइनस दो ठीक, इस प्रकार। और वाई अक्ष जो होता है दोस्तों नीचे होता है माइनस में, माइनस एक माइनस दो ठीक, इस प्रकार। उसके बाद ऊपर होता है प्लस में, तो प्लस में बैठाना है, प्लस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक, बैठा दिए, क्योंकि बारह तक मान है इसलिए दोस्तों ठीक ना। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, यहाँ देखिए एक्स समीकरण एक का एक्स दो वाई तीन, एक्स एक्स दो वाई तीन यहाँ आ गया दोस्तों ठीक। उसके बाद देखिए एक्स बारह वाई बारह, एक्स बारह और वाई बारह, यहाँ देखिए वाई बारह यहाँ है ठीक, यहाँ तक लाना है, तो एक्स बारह और वाई बारह यहाँ आया ठीक, यहाँ देखिए यहाँ आ गया ठीक, थोड़ा बड़ा ग्राफ है दोस्तों ठीक। अब जो है दोस्तों ई बिंदु और ई बिंदु को हम लोग मिलाएंगे ठीक, इंची से देखिए मिला दिए दोनों बिंदु को ठीक। अब नेक्स्ट समीकरण देखेंगे दोस्तों, अगला समीकरण है आपका समीकरण दो, एक्स दस वाई एक ठीक। देखिए एक्स दस वाई एक यहाँ है ठीक, उसके बाद फिर एक्स सात वाई दो, एक्स सात यहाँ है वाई दो यहाँ है यहाँ। अब इसको और इसको मिलाएंगे हम लोग ठीक, ध्यान से मिलाना है दोस्तों। देखिए मिला दिए ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ बिंदु आपको लिख देना है ठीक ना, बिंदु क्या है, यह है सात कोमा दो और यह है दस कोमा एक, उसके बाद यह बिंदु है दो कोमा तीन, उसके बाद यह बिंदु है बारह कोमा बारह ठीक है। थोड़ा इसको भी और मिला देते हैं इसमें, ठीक। अब दोस्तों इस समीकरण एक है, समीकरण को भी लिख देंगे दोस्तों। समीकरण एक है नौ एक्स माइनस दस वाई बराबर माइनस बारह, समीकरण एक ठीक। यह समीकरण दो है दोस्तों, एक्स प्लस थ्री वाई बराबर तेरह, समीकरण दो। अब इसमें आंसर निकालना है दोस्तों, आंसर एक्स और वाई का मान ठीक। तो देखना है समीकरण एक समीकरण दो कहाँ पर काटा है, तो दोस्तों ये एक्स अक्ष है, यह देखिए कि दो के बाद यहाँ यानी कि पॉइंट पाँच पे काटा है। देखिए ये जो थोड़ा पतला वाला लाइन है ये पॉइंट पाँच है, यानी कि दो पॉइंट पाँच एक्स का मान, एक्स के सीधा में काटा है। वाई वाला में देखिए कि तीन से ऊपर है, तीन से ऊपर है ये भी पॉइंट पाँच आ जाएगा, यानी कि तीन पॉइंट पाँच, तीन पॉइंट पाँच ही आपका आंसर रहा दोस्तों ठीक। तो इस प्रकार यह ग्राफ बनाना है, थोड़ा ग्राफ लाइन बड़ा था दोस्तों ठीक ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।